नमस्कार, आपका स्वागत है। कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ग्राउंडनट ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल के गरम हो जाने पर इसमें डाल रही हूँ 3 छोटे चम्मच राई, 1/2 छोटा चम्मच हींग। हींग का स्वाद हमें इस रेसिपी में बहुत प्रोमिनेंट चाहिए, इसीलिए हींग अच्छी मात्रा में डालें। 2 हरी मिर्चियाँ छोटे टुकड़ों में काट ली हैं। यहाँ मैंने तीखी हरी मिर्चियाँ ली हैं। आँच मैंने लो फ्लेम पर कर दी है। अब डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच भर के धनिया पाउडर और 1/2 फ्लैट चम्मच मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर हमें ज़्यादा नहीं डालना है, इससे सब्ज़ी का कलर डार्क होगा, इसीलिए तीखी हरी मिर्चियाँ डाल दी थी। आँच मैंने लो फ्लेम पर कर दी है। मसाले जलने नहीं चाहिए। कुछ सेकेंड मसाले सेकने के बाद अब इसमें डाल रही हूँ बारीक कटे हुए मेथी के पत्ते। मैंने 250 ग्राम मेथी के पत्ते लिए। डंठल अलग करके मेथी को अच्छे से धो लिया और बारीक काट लिया। मेथी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। इस समय आंच मीडियम फ्लेम पर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन स्वाद में बेहतरीन है। मेथी रिड्यूस होने लगी है और मेथी की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। मेथी को पूरा पकाने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 2.5 मिनट तक इसे पकाना है। जब आप देखें कि कढ़ाई में तेल नज़र आने लगे, तब आँच लो फ्लेम पर कर रही हूँ। इस समय यहाँ ऐड कर रही हूँ करीब 4 टेबलस्पून बेसन। बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इतना भी बेसन काफी है, सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप बेसन ज्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा बेसन और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून बेसन और ऐड कर रही हूँ। कम बेसन डालने पर सब्जी थोड़ी लूज टेक्सचर की बनेगी। मैं कभी थोड़ा कम बेसन डाल के ये सब्जी बनाती हूँ, कभी बेसन की मात्रा बढ़ा देती हूँ। दोनों ही स्वाद बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सब्जी को पकाइए। बीच बीच में चलाते हुए सब्जी को पकाइए। अब मैं यहां डाल रही हूं स्वादानुसार नमक। करीब 3 मिनट मैंने ये सब्जी पकाई है। आप देख रहे हैं बेसन भी कढ़ाई से छूटने लगा है। गैस की फ्लेम कर दे रही हूँ बंद। केवल 5 मिनट में ही ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है और मेथी का स्वाद एट इट्स बेस्ट लगता है। ध्यान रखिएगा, मेथी भी जब पकाएं तो 2 से 2.5 मिनट पकाएं, बेसन डाल के भी पकाएं तो 3 मिनट तक ही पकाएं। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बेसन पक गया बस उतना ही काफ़ी है। सर्व करिए गर्मा गर्म। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं, टिफ़िन में दे सकते हैं, लंच या डिनर में के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना बेहतर ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।